दुनिया सब संपर्क मध्य श्रेष्ठ संपर्क होता है पिता और संतान संपर्क से भाई एक संपर्क आज लगि जा कलंक धरम झी को दुष्कर्म कर गिरफ है धरम बाप बालेश्वर जिला जलेश्वर थाना अंचल घटी जाभली अभावन जलेश्वर पुलिस गत काली राति धरम झी को दुष्कर्म कर अभोगे भोगराई ब्लक उलुडा अंचल अनंत प्रधान नामक जन व्यक्ति को गिरफ कर सूचना अनुजाई जलेश्वर अंचल जड़े युवती उलुडा ग्रामर जैनिक व्यक्ति घरे रही मासिक दरमार रोषेवास कर घर जगुआली भाव अनंत नियोजित थे अनंत उक्त युवती गोटे जगार रोथवर उभय संपर्क गढ़ी उठी अनंत उक्त युवती को निजर धरम झी कही पवित्र संपर्क को आड़े अनंत निज झीर रूप से मोहित हो निजर जौन लालसा चरितार्थ करने युवती पकई लोलोप दृष्टि युवती इच्छा विरुद्ध अनंत बारंबार दुष्कर्म करुते अनंत एपरी आचरण में अतिष्ठ हो युवती जनक जलेश्वर थाना अंतर्गत नामपो फांडी इलकारे निज घर को चली आत काज बापा जलेश्वर थाना को जा लिखित अभियोग करते अभियोग आधार में जलेश्वर पुलिस मामला को रुजु करने गत काली राति कर्मदा थाना अंचल अभियुक्त अनंत को गिरफ्त कर एने पीड़िता परिवार न्याय पाई पुलिस को निवेदन करी दुष्कर्म कर थाना किमती न्याय निष्पत्ति धरम बापा ना कौन विजय प्रधान अनंत प्रधान सात सप्ताह दुष्कर्म कहते झी को तुम झी आम झीटी ना ते घर जुआ रखी आते बाहर देमी तो बाप को बाहर तो हेनी आते टा लगे मुझे हाँ सात सप्ताह मानने लग्न कर फुंकी कहने तो बाप माँ चौद पुरुष सब मरीज हाँ गुणिया लग्न करी सात सप्ताह फुंकी न्याय चाहिए थाना आश्रय आरती अनंत प्रधान माने घर रोथी माने बाप मत झील कर रखिले कह तु मो झी ना तु झी भाया रही था तु मो घर रही आम करने को जी पड़े तु ये रही था जहाँ भी पैसा आब तुम नाम करदेमी आ तु बाने ये रही घर जी रही तापर मु किछ दिन रहिला माँ पलैले बेंगलोर मो पाखे सब कथा मुझे भी पचार बहुत कथा जे माँ बापा सेमती किसी नुहति तो माँ कहे ना ना तो बापा सेमती किसी नुहति कि सी भी मत ठकी जाते कि कथा बहुत कथा ठकी जाते मो जीवन को भी बर्बाद कर तापर से बापा मो सहित विभिन्न प्रकार कह कि मरीज सी मरीज कह कि जेल को जी न कर समस्ते मरीजे तु हूँ एमती स्वामी स्त्री जमी संपर्क रखें तु से रखा पड़े मो सहित चार मस संपर्क रखी थे राजी मान से मान गोटे अलग धारा ना से धारा मान गाड़ी से मैंने कहले कि तो भेणी मान छात डे खसी पड़े विपद अच्छे यहाँ कलापर एरक कलापर जा उधार जोरजबस्त मान एम बारंबार कहले ना बचे तुम जीवन को तुम जीवन को बर्बाद कर तुम जहाँ पचे से बचा किसी घटना अवश्य किसी ना कि मुझे कथा नने भी रही पारनी मो जीवन तो सही लग रही कि मो दीदी मत मान फोन कले बापा मु भी फोन फोन से बापा कथा हूँ मो सहित जोरजबस्ती मुझे कहूँ आगे से बापा कह हाँ से तो मुझे बापार सम्मान मुझे बहुत देखा
ଏବେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ବାହା ହେବାକୁ, ଯେମିତି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳେ। ମୋତେ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳେ ମୋ ଜୀବନ ତ ହେବ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେମିତି ମାନେ ଜନ୍ମ ବାପା ବି ଯେମିତି କି ସେ ବି ଯେମିତି ବାପା, ସେ କେସ୍ରେ କେହି ବି ନ୍ୟାୟ ସେ ଇଏରେ କି କାହାରି କି ଛାଡ଼ ମିଳିବନି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବି ଯିଏ ବି କରିଥାଉ କି ଭାଇ ବି କରିଥାଉ, ଏଥିରେ କାହା ଏଇନ ଶାସ୍ତି ହିଁ ଭୋଗିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କହୁଛି କି ଯେ ହଁ ଖୁସିରେ ରହିବି, କିନ୍ତୁ ସିଏ କିନ୍ତୁ ତା ମୋ ଛଡ଼ା ଆଉ ସେ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିବନି। ନେତୁଆର ଜନୈକ ମହିଳା ଆମକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସୋକଳ ଯିଏ ଧରମ ବାପା ହିସାବରେ ହେବେ, ସେ ତାଙ୍କ ଘର ବାଇଗଣବାଡ଼ିଆ ଉଲୁଡ଼ାରେ ଯାଇ କମରଦାର ଉଲୁଡ଼ାରେ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଏ ଚିଟିଂ କରିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛନ୍ତି, ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେହି ଆଧାରରେ ଆମର 515 ନମ୍ବର କେସ୍ ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନାରେ ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍ରେଣ୍ଡ ହୋଇଛି, ଉଭୟଙ୍କର ଡାକ୍ତରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଠା ହୋଇଛି, ନେସେସରୀ ଫଲୋଅପ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଯାହା ହୋଇକି ଆଜି କୋର୍ଟରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେବ। ସାର୍ ଗୋଟେ ଖବର ଆସୁଛି ଯେ ଗୁଣି ଗାଳିରେ କ'ଣ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଦୀର୍ଘ ମାସ ଧରି ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଯେହେତୁ ମେଜର୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହେଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଏ ଇଲିଗାଲ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଲିଗେସନ୍ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାହା ଯାହା ଆସିବ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯାହା ଯାହା ଆସିବ ସେହି ଅନୁସାରେ ନେସେସରୀ ଫଲୋଅପ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇକି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୋର୍ଟକୁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ କରାହେବ। କାହାର ଝିଅର 25 ଏଜ୍ ଅଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଭାକର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବ୍ରାକେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଆ।